दोस्तों आपने यह 10वीं और 12वीं क्लास कंप्लीट किया और आपकी एज 18 से 40 वर्ष तक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आऊँ पशु विभाग के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि 2024 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सैलरी फ्रेंड्स आपकी क्या रहेगी, क्या क्या फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, सारी जानकारी फ्रेंड्स आज आपके साथ में शेयर करूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर परीक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर भर्ती स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा, क्या इसकी अंतिम तिथि है, कब से आपको यहाँ पर आवेदन करना है, सारी जानकारी आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो कोई पार्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पशुपालन विभाग के लिए भर्ती जारी हुआ, जो कि 2024 के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। पशु पालन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती आवेदन शुल्क, पशु डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप इसमें निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, कोई भी यहां पर आवेदन शुल्क भारत सरकार की तरफ से नहीं रखा गया है। पशुपालन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की आयु जो की सीमा रखी गई है फ्रेंड, यहां पर आप 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम आप 38 वर्ष तक की आपकी एज है, यानी कि आपकी एज 18 साल है, 18 से आप 38 के बीच के हैं तब भी फ्रेंड्स आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, जो 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग किया जाएगा, तो आप इसमें आवेदन कर सरकारी नियम अनुसार आपको सीमा के अंदर यानी कि आयु सीमा के अंदर आपको यहां पर छूट भी दी जाएगी। दोस्तों पशुपालन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती शिक्षा योग्यता क्या रहेगी, आप यहां पर जो योग्यता की बात करेंगे, आपने यहां पर 10वीं और 12वीं आपने पास की, यानी कि आप ओनली 10वीं आपने पास किया है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं है दोस्तों आपको यहाँ पर इंटर ही आपकी जरूरी है कि आपको इंटर ही पास किया है तभी आप आवेदन कर सकें, आप 10वीं पास किया है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पशुपालन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती का आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी, पशुपालन डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होता है, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी एक बार विभाग द्वारा दी गई सभी जानकारियों आपको सही से पढ़ लेना है, इसका फॉर्म आपको यहाँ पर PDF डाउनलोड करना है, जिसमें आपको एक एक पॉइंट आपका यहाँ पर कंफ्यूजन जो आपकी होगी वो सारी खत्म हो जाती है, अधिकतर सूचना देखने के बाद ही जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन करने में पूछी गई सभी जानकारी आपको यहाँ पर सही भरना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर फॉर्म भरते समय कोई भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पर एक एक बारीकी से फॉर्म को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही दोस्तों आपको यहां पर आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर क्या डॉक्यूमेंट आपको यहां पर सबमिट करना होता है, दोस्तों आप यहां पर किसी भी कैटेगरी के अंदर हैं, दोस्तों आप यहां पर सामान्य कैटेगरी के अंदर हैं तो आपका यहां पर कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, यदि आप OBC से SC से ST से हैं तो आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होता है, और आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र देना होता है, आधार कार्ड फ्रेंड्स आपको देना होता है, और आपको मार्कशीट भी यहाँ पर हाई स्कूल की आपको सबमिट करनी होती है, 500 साल का फ्रेंड्स आपको फोटो देना होता है, और आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आवेदन करते समय आपको यहाँ पर देना होता है और आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है 9 मई 2024 से आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, 9 मई से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि गई है वो 20 जून 2024 के अंदर दी गई है। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर 15 मई है, तो 15 मई यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 6 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो फॉर्म दिया गया आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये फॉर्म दिया गया है, इस पर फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर फॉर्म भर लेना है। आप पर फॉर्म भरना नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप किसी साइबर कैफे पर जाकर के अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं, क्योंकि आप यदि कोई भी गलती कर देते हैं, आपके पास यदि कोई भी लैपटॉप की सुविधा या कंप्यूटर की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप किसी साइबर कैफर पर जाकर के सभी डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पर आप आवेदन करा सकते हैं, क्योंकि आप यदि कोई भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स आप स्वयं न करके आप किसी साइबर कैफे पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन अवश्य कराएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी बेहतर जानकारी के साथ में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना, मिलते हैं किसी बेहतर जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।